हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे और टोटल लेंथ लेंगे। तो मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले टोटल लेंथ रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है और डीप नेक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर लिए हैं 5 इंच डीप नेक के हिसाब से, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच, चेस्ट का चौथा भाग यहाँ से लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से करेंगे और तिरछी लाइन बनाएंगे। बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद अब हमने कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से इसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। गले की विड्थ लेंगे हम 2 इंच और गले की टोटल लेंथ लेंगे 11 इंच। नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 3.5 इंच। तो गले की लंबाई चौड़ाई नीचे से आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमें बनाना है पंचकोनी शेप इस तरीके से। शेप देने के बाद हम इसे कर लेंगे कटिंग। तो इस तरीके से गले को कट करना है और इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पेपर पेस्टिंग का। पेपर पेस्टिंग को आपको डबल फोल्ड करके ले लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। गले की मार्किंग करने के बाद अब हम बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और अब करनी है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमने गले को यहाँ पर कट कर लिया है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अस्तर के ऊपर इसे रख लेना है और पिन लगा देनी है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में रख लिया है और एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब हम साइड पे, सबसे पहले मैंने गले के ऊपर सिलाई लगाई है, अब हम बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। बाहर की तरफ से सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ से इसे, हम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हमने कट करके निकाल देना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हमने गले को लेना है और इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। पेपर पेस्टिंग को मैंने कपड़े पर प्रेस से चिपका लिया था और अब इसे साइड से फोल्ड कर देंगे। देखिए, कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसके बाद हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अटैच करना है इस तरीके से। तो पिन लगा लेंगे हम यहाँ पर, दोनों ही तरफ से हमें इसे पिंस के साथ अटैच कर देना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। गले के ऊपर अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। अब करनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग। तो इतना फैब्रिक हमें यहाँ पर सिलाई के पास तक कट कर देना है। पूरे ही नेक के ऊपर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से। अब एक सिलाई हमें अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेनी है।
अब हमने इसे अंदर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये पट्टी ली है लेंथ में, और देखिए विड्थ है इसकी 3 इंच, और इसकी बनानी है हमें फ्रिल। तो एक जैसी फ्रिल हम इस पट्टियों की बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लगभग हमें 2 पट्टी तैयार करनी है इसी तरीके से डिज़ाइन बनाने के लिए। नाप के आपको यहाँ पर बराबर चेक कर लेना है कि फ्रिल हमारी बराबर से आ रही है या नहीं। अब हमें सिलाई के पास तक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और इसके ऊपर हम लगा लेंगे लेस। तो दोनों मैंने यहाँ पर फ्रिल की पट्टियाँ तैयार कर ली हैं और अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर लेस। दोनों फ्रिल पर हमें लेस अटैच करनी है इस तरीके से, और अब मैं यहाँ पर फ्रिल को इस तरीके से अटैच कर दूंगी। तो देखिए अटैच करने से पहले आपको इसे पिन लगाकर अच्छे से सेट कर लेना है इस तरीके से। बराबर से रखते हुए हमें दोनों तरफ पिन लगानी है अच्छे से। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर दिया है और अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर लेस। तो पहले मैंने इसे पिन कर दिया था और इसके बाद इसे लेस के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे। पंचकोनी शेप बनाते समय आपको यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल देनी है दोनों ही तरफ। जहाँ पर भी हम मशीन को घुमाएंगे वहाँ पर आपको छोटी सी प्लेट्स डाल देनी है, और एक सिलाई हमने दूसरी तरफ कॉर्नर की लगा लेनी है। अब हम प्लेट्स डाल देंगे। तो इस तरीके से सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स को लगा लेंगे। नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से तैयार कर दिया है और अब हमें बो बनाना है डिज़ाइन के लिए। तो 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने, उन्हें एक तरफ से स्टिच कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद पट्टियों को पलट कर सीधा कर लेंगे, और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसे बो का लुक दे देना है सुई धागे से स्टिच करके, और इसके बीच में एक मोती अटैच कर लेना है। अच्छे से हम इसे सुई धागे से पक्का कर देंगे और दूसरा वाला पैटर्न भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों पैटर्न रेडी करने के बाद हमने इसे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से बराबर करते हुए इसे अटैच करेंगे, और यहाँ पर हमें इसे अच्छे से पक्का कर देना है ताकि ये निकले ना। दोनों तरफ से मैंने इसे पक्का कर दिया है। तो हमारा ये जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।